ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जीपीएस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो जीपीएस के बारे में हम बात करते हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है जीपीएस आप सब यूज़ करते हो, इसके बारे में कैसे सिग्नल इसमें काम करते हैं और कैसे एक रफली है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, सिविल से थोड़ा रिलेटेड नहीं है, सिविल से रिलेटेड इतना है कि जीपीएस का हम सर्वेइंग में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे अगर अलग से जाओगे आप तो सर जीपीएस वर्क कैसे करता है, जीपीएस कैसे बनाते हैं, जीपीएस में क्या क्या सिग्नल की बात है, थोड़ा सा सिविल से वो हट के, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें। और क्यों हम इसका बेसिक आइडिया को हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम जीपीएस को यूज़ कर सकें। जो सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी जीपीएस लगा हुआ आता है, तो उनको हम कैसे यूज़ कर सकें, उसको डाटा से हम कैसे हम अपने डाटा को कैसे यूज़ कर सकें, हम एनालिसिस कैसे कर सकें। तो इसलिए थोड़ा बेसिक आइडिया जीपीएस का होना ज़रूरी है। ठीक है, सर्वेइंग में क्या होता है, सर्वेइंग में आप जीपीएस के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू आप इमेजेस ले सकते हो। इमेजेस लेने के बाद आप वहाँ की टोपोग्राफी या किसी भी चीज़ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हो। आप बाउंड्री लोकेट कर सकते हो, आपको बाउंड्री बॉर्डर पता चल जाते हैं एरिया के, अगर के कहाँ पे किसका बॉर्डर है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, यूज़र बोलेंगे, किसी यूज़र की, यूज़र इसलिए बोलेंगे कि उसमें रिसीवर की ज़रूरत होती है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई ईंट पड़ी हुई है, आप उसकी लोकेशन नहीं बता सकते, है ना, जब तक उस ईंट के ऊपर कोई रिसीवर ना रखा हो। तो इसलिए हम बोलेंगे यूज़र की, किसी यूज़र की किसी भी वेदर में पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर या उस अर्थ सरफेस पे हो, तो उसकी लोकेशन विद टाइम हम बता सकते हैं जीपीएस की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जीपीएस पुराने ज़माने में क्या करते थे, हम स्टार्स को देख के हम नेविगेशन करते थे। उसके बाद ये 1973 में जीपीएस यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जो था उसने डेवलप किया, अपनी आर्मी के लिए यूज़ किया। वो अटैक करते थे जीपीएस की हेल्प से, वो पता करते थे कि कोई हमारे देश में या हमारे बॉर्डर पे कोई कोई चीज़ आ रही है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उसका यूज़ करते थे। जैसे लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि एक बार उन्होंने अपना ही प्लेन उसमें डला दिया, क्योंकि डिफेंस यूज़ करता था, लेकिन जो एक प्लेन होता था नॉर्मल पैसेंजर का, जो एक प्लेन सिटीजन्स का जो एक पैसेंजर प्लेन होता था, उसमें जीपीएस नहीं होता था। उन्होंने उसको सो, क्योंकि जीपीएस में केवल ये तो दिखेगा नहीं कि प्लेन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है, कोई चीज़ बड़ी स्पीड से आ रही है, तो उन्होंने उसको अपनी मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तब यूएस ने ये डिसीजन लिया था कि हम फ्री इसको दे देंगे सबको यूज़ करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसको जो ऑपरेट, इसको कंट्रोल जो करता है ना, वो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ही करता है। ठीक है, तो फुल्ली ऑपरेशन 1995 में स्टार्ट हो गया था। ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, क्रेटो इन्वेंटिंग इट। व्हाट इज जीपीएस, फुल फॉर्म आपको पता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पेस बेस्ड सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम में प्रोवाइड लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑल वेदर, किसी भी वेदर में किसी भी टाइम पे आप किसी भी चीज़ की, एक यूज़र की आप लोकेशन पता कर सकते हो जीपीएस की हेल्प से। मेंटेन बाय यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, फ्रीली एसेसिबल एनी वन जीपीएस, ये आपको बता चुका हूँ। यूएस जो यूएस की गवर्नमेंट है वो इसको मेंटेन करती है, और ये इसको फ्रीली एसेसिबल बाय एनी वन जीपीएस रिसीवर, जी रिसीवर होगा तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। स्लाइड दिखाई दे रही है ना, कभी बाद में बताओ, स्लाइड ही दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका ऑफिशियली नेम क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट टाइमिंग एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, नव स्टार जीपीएस बोलते हैं इसको। कंसिस्ट ऑफ 30 जीपीएस सैटेलाइट, ये पुराना डाटा है, लगभग 74 सैटेलाइट्स हैं जो हमारे जीपीएस के लिए काम करती हैं, लेकिन एक टाइम पे 24 सैटेलाइट ही काम करती हैं एक टाइम पे। वैसे टोटल जो है लगभग अराउंड 72-74 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, और इनका जो ऑर्बिटल डिस्टेंस है वो 20,200 किलोमीटर है वैसे, लेकिन रेंज जो है आपकी 2,035 किलोमीटर होती है। मेड ऑफ 2 डजन सेटेलाइट वर्किंग हारमोनी नोन एज सेटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, मेनली यूज ऑफ नेविगेशन मैपिंग एंड
सर्विंग, थ्री सेगमेंट है। लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूँ जीपीएस एलिमेंट के, एक तो होता है स्पेस सेगमेंट, एक होता है कंट्रोल सेगमेंट, एक यूज़र सेगमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि स्पेस सेगमेंट में सैटेलाइट के बारे में हो गया जो स्पेस में है, कंट्रोल सेगमेंट जो सैटेलाइट के सारे डाटा को कंट्रोल और मॉनिटरिंग करता है, ठीक है। यूज़र सेगमेंट यूज़र जहाँ रिसीवर होता है, ठीक है। तो तीन सेगमेंट है ये, स्पेस सेगमेंट, जीपीएस सैटेलाइट फ्लाई सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एलिट्यूड ऑफ 20,200 किलोमीटर विद एन पीरियड ऑफ 12 आवर्स। क्या डिस्टेंस है ऑर्बिट की आपकी? 20,200 किलोमीटर। और ये जो सर्कुलर है ऑर्बिट में जो घूमती है सैटेलाइट, ये 12 घंटे में एक राउंड लगा लेती है अपना, यानी कि एक दिन में 2 साइकिल कंप्लीट करती हैं। पावर मिलती है इनको सोलर सेल से। इनका जो हमेशा जो एंटीना होता है वो ट्यूबवेल होता है अर्थ सरफेस की ओर, और जो इनका सोलर पैनल होता है वो होता है सन की ओर। ऑर्बिट्स आर डिजाइंड सो दैट एटलीस्ट 6 सैटेलाइट एंड ऑलवेज विद इन द लाइन ऑफ साइट एंड लोकेशन। इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड रुको जरा, मैं ये मार्कर ढूंढ लेता हूँ। मैंने मार्कर डाउनलोड किया था, थोड़ा सा बताने में आसानी होगी। ठीक है, मिल गया। कहाँ चला गया? ठीक है, एक बार ये कंफर्म करना जो मैं इस पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? यस सर, यस ठीक है। अब सर, ये जो ये मैं इस लाइन को बताना चाहता था आपको, जो कह रहा है कि एटलीस्ट 6 सैटेलाइट आर ऑलवेज इन द लाइन ऑफ साइट, यानी कि अगर ये आपका ऑर्बिटल साइट है तो यहाँ पर जो सैटेलाइट होगी, ये जो सैटेलाइट होंगी, ये तो एक लाइन ऑफ साइट में लगभग 6 सैटेलाइट होंगी, और इनके बीच की जो स्पेसिंग होगी इक्वल होगी ये, और इनकी स्पीड भी एक साथ होगी। मतलब डिस्टेंस 6 सैटेलाइट के जो बीच में डिफरेंस है स्पीड, उसका डिस्टेंस का इक्वल होगा, इक्वली स्पेस होंगी। एक बारी में 6 की 6 सैटेलाइट दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर पाथ आ जाएगा, दूसरी सैटेलाइट नहीं दिखेगी, उसका पाथ भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बात हो रही थी स्पेस सेगमेंट की, इतना ही है स्पेस सेगमेंट में आपको अगर लिखने को आ जाए तो इतना ही लिखना है आपको स्पेस सेगमेंट के बारे में। इसके बाद आता है कंट्रोल। तीन सेगमेंट थे, स्पेस, कंट्रोल एंड यूज़र। अब कंट्रोल सेगमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट में फिर तीन आते हैं, मास्टर कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटर स्टेशन एंड ग्राउंड एंटीनास। इसको मैं ड्राइंग से समझा देता हूँ आपको क्या होता है। आपके पास मोबाइल है ये रहा, ठीक है, और आपने इस तरह के एंटीने देखे होंगे, इस तरह के एंटीने देखे होंगे बड़े बड़े, ठीक है। ये क्या? ये है सैटेलाइट, ठीक है। अब यहाँ तीन चीज़ों की कंट्रोल सेगमेंट की बात हो रही है जो ग्राउंड पे है, ठीक है। सैटेलाइट किस में आता है आपका? स्पेस सेगमेंट में। जो ग्राउंड पे है आपका, ये हो गया मास्टर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये सैटेलाइट को कंट्रोल करता है, पर इसके पास डाटा कहाँ से आता है? इसके पास आता है मॉनिटर स्टेशन से, और ख़ुद वो सैटेलाइट से भी लेता है, ठीक है। ये है एंटीना, ये डाटा कहाँ भेजते हैं? मॉनिटर सिस्टम के। और इन एंटीना को कहाँ से मिलता है? सैटेलाइट से भी मिलता है, और रिसीवर से भी मिलता है, और रिसीवर को सैटेलाइट से भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें देखो हो क्या रहा है कि सैटेलाइट से रिसीवर को भी सिग्नल मिलते हैं, सैटेलाइट से एंटीने को भी रिसीवर सिग्नल मिलते हैं, सैटेलाइट से मास्टर कंट्रोल सिस्टम को भी सिग्नल मिलते हैं। आपस में है ना
डाटा इनमें एक्सचेंज हो रहा होता है, इसी से हम प्रिसाइज किसी की लोकेशन या प्रिसाइज कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो ग्राउंड पे बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं, उस सैटेलाइट से भी सिग्नल ले रहे हैं और वो ले रहे हैं रिसीवर से भी, और उनको वो कहाँ भेज रहे हैं, मॉनिटर स्टेशन से। फिर मॉनिटर स्टेशन में उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको फिल्टर किया जा रहा है, उसको कहाँ भेजा जाता है, मास्टर कंट्रोल सिस्टम में। और मास्टर कंट्रोल खुद भी सैटेलाइट के सिग्नल ले रहा होता है, खुद भी सैटेलाइट को कंट्रोल, सैटेलाइट की हेल्थ को एनालाइज और चेकअप उसका वो करता रहता है। तो और इसके बारे में और जानते हैं हम, तीन अब इन तीन के बारे में बात करेंगे। मास्टर कंट्रोल स्टेशन, मास्टर कंट्रोल स्टेशन लोकेटेड इन फैलकॉन एयर बेस इन कोलोराडो स्प्रिंग्स। ये क्या कहते हैं, एक सिटी है जो लगभग 6,000 फीट ऊपर है, मतलब हिली एरिया में। तो वहाँ पर ये मास्टर कंट्रोल स्टेशन लगा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैनेजमेंट ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग एंड ट्रांसमिशन साइट्स। चेकअप परफॉर्म ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार चेकअप करते हैं, और ईच सेटेलाइट 6 स्टेशन ए सेटेलाइट कंप्लीट जर्नी अराउंड द अर्थ। कैन रिपोजिशन सेटेलाइट टू मेंटेन ऑप्टिमल जीपीएस सेटेलाइट। मैंने कहा आपको कि 70 to 74 सेटेलाइट्स हैं, ठीक है, 24 काम करती हैं अर्थ की पूरे सरफेस को कवर करने के लिए, लगभग हमें 24 सेटेलाइट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इन सेटेलाइट को चेंज करना है, इनके ऑर्बिट को चेंज करना है, इनकी हेल्थ को चेंज करना है, कुछ इसमें रिपेयरिंग करनी है, तो ये सब क्या करता है, मास्टर कंट्रोल स्टेशन करता है। उनकी हेल्थ को भी चेकअप करता रहता है, एक बारी में, दिन में 2 बार चेक करता है, सबकी टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग को ये चेक करता रहता है, हेल्थ को चेक करता रहता है, और एक्सचेंज भी करता रहता है आपस में सेटेलाइट को। उसके बाद आता है आपका मास्टर के बाद मॉनिटर स्टेशन, चेकअप एग्जैक्ट एल्टीट्यूड पोजिशन स्पीड ओवरऑल हेल्थ कंट्रोल सेगमेंट जीपीएस सेटेलाइट और क्लॉक रिमेन विद द एक्सेप्टेबल लिमिट। स्टेशन कैन बी ट्रैक अप टू 11 सेटेलाइट। एक स्टेशन क्या होता है, एक बारी में 11 सेटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। चेकअप इज परफॉर्मेंस ट्वाइस अ डे बाई ईच। इसमें एक चीज़ का काफ़ी बार आपको जिक्र मिलेगा, वो है आपका क्लॉक। क्लॉक का बहुत बड़ा रोल होता है आपका जीपीएस सिस्टम में। कैसे होता है रोल, थोड़ा सा इसका बेसिक समझिए। जो रिसीवर है वो अपनी पोजीशन नहीं बताता है, दरअसल पोजीशन बताता है अपनी सैटेलाइट। सैटेलाइट अपनी पोजीशन बताता है, वो सिग्नल भेजता है किसको, यूज़र को, रिसीवर को। तो रिसीवर को जो रेडियो वेव्स भेजता है वो, और वो जो स्पीड की लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, रिसीवर को जाती है, फिर रिसीवर से वो आपका सैटेलाइट पे आती है। तो इस कैलकुलेशन में हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, वेव्स ने, वो कितने टाइम में किया है। अब क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट है तो टाइम तो नैनो सेकंड्स में आ जाता है, तो इतनी में एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें वहाँ पे एक बहुत ही बहुत ही अच्छी क्लॉक, जो 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 बहुत एक्यूरेट क्लॉक हो, इस तरह की क्लॉक सेटेलाइट में लगानी होगी, है ना। एक तो नैनो सेकंड में कर रहा है, क्योंकि जो आपकी अर्थ सरफेस पे जितनी भी क्लॉक हैं वो, उनके अंदर कुछ ना कुछ टाइम के साथ एरर आता जाता है ना, फ्रिक्शन की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। बट हमें एक ऐसी क्लॉक चाहिए जिसमें ये सारे एरर ना आए, और जो बहुत ही माइक्रो नैनो सेकंड्स को भी मेज़र कर ले, क्योंकि सारा खेल इसमें टाइम का है, ठीक है। जो वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं कितने टाइम में, उसी से हमारी सारी पोजिशन और लोकेशन का पता चलता है। तो सेटेलाइट में क्या होता है, एक एटॉमिक क्लॉक यूज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा अभी तक की जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज एक्यूरेट आपकी क्लॉक मानी जाती है, वो एटॉमिक क्लॉक ही मानी जाती है। उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस ये समझ लो उसमें है ना कोई भी टाइमिंग में चेंज नहीं आता है, ठीक है। नैनो सेकंड तक आप उसमें टाइम को चेक कर सकते हो, और उसमें बिल्कुल भी कोई भी टाइम के साथ साथ कोई भी उसमें एरर या कुछ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि सारा खेल ये हमारा किसका है, टाइमिंग का। जो वेव्स हैं वो कितने देर में रिटर्न होके आ रही हैं, उसी के बेस पे हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी एरर आता है, वेव्स के ट्रेवल में एरर आता है, रिसीवर किस टाइप का, रिसीवर ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, रिसीवर की क्या स्ट्रेंथ है, या फिर एटमोसफियर कैसा, उसकी वजह से हल्का सा नैनो सेकंड का। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करके आ रही हैं, वो ट्रेवल करके गई यूज़र तक, यूज़र से भी ट्रेवल करके सेटेलाइट तक आ रही है, और बीच में एटमोसफेयर किसी भी वजह से कुछ नैनो सेकंड का डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ नैनो सेकंड की वजह से 10-20 मीटर तक का लोकेशन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि अगर हमारी घड़ी में ही कुछ नैनो सेकंड का चेंज आता रहे हर दिन, तो फिर हम जो लोकेशन है किसी रिसीवर की, कितने मीटर किलोमीटर में भी हम एरर उसमें
आ सकता है। एक स्टेशन कैन ट्रैक अप टू 11 सैटेलाइट। ओके हो गया। ग्राउंड एंटीना जिनकी बात अभी कर रहा था, ग्राउंड एंटीना मॉनिटर ट्रैक सैटेलाइट फ्रॉम होरिजन टू होरिजन, दे ऑल्सो ट्रांसमिट करेक्शन इन्फॉर्मेशन इंड्यूस द सैटेलाइट, कम्युनिकेट विद जीपीएस सैटेलाइट कमांड एंड कंट्रोल पर्पस। यूजर सेगमेंट की बात हो रही है तो यूजर सेगमेंट का मतलब है जो जीपीएस सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीवर, ठीक है। तो इसके अंदर एक एंटीना होता है, एक रिसीवर प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर का काम होता है कैलकुलेशन करना, रिसीव तो कर लिया सिग्नल, पर वो डिस्प्ले पे दिखाएगा ना आपको, तो डिस्प्ले में किस फॉर्म में दिखा रहा है उसको कन्वर्ट करेगा ना, तो उसी को इसलिए प्रोसेसर चाहिए, हाईली स्टेबल क्लॉक भी चाहिए, ठीक है। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड डिस्प्ले स्विंग लोकेशन एंड स्पीड इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूजर। द रिसीवर ऑफ़ डिस्क्राइब द नंबर ऑफ चैनल, चैनल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ चैनल। अच्छा इसका एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ सको तो समझना, चैनल्स क्या होते हैं। आप टीवी में घर पे देखते हो चैनल्स ही बोलते हो उनको, चैनल रिमोट लेके आप चैनल चेंज करते हो। तो उसमें आप देखो डिवाइस एक है, कनेक्शन एक है, आप जहाँ क्या चाहते हो इंटरटेनमेंट चाहते हो और बटन दबाते हो तो आप कितने सारे चैनल्स के थ्रू इंटरटेन ले सकते हो। तो चैनल्स का वही मतलब हो गया कि आपको, आपके पास चैनल है किसी डिवाइस में और आप किसी सिग्नल को रिसीव कर रहे हो, आपका मेन एम है उस सिग्नल को रिसीव करना अलग अलग तरीके से, है ना। कौन सा चैनल कब काम कर रहा है, कब उसमें आ जाए तो एक और चैनल हमारे पास, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतने ही हमारे पास ये सुविधा होगी कि कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी चीज़ के थ्रू, किसी एटमोसफेयर के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू, तो हम दूसरे चैनल में वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल का मतलब ये हो गया। चैनल बहुत जगह यूज़ होगा, हर जगह अलग डेफिनेशन, जैसे टीवी के लिए चैनल हो गया, डिवाइस के लिए चैनल हो गया, आपका चैनल होता है इमेजेस में चैनल होता है, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ इमेजेस का, क्योंकि मैं उस पर काम कर भी रहा हूँ। तो देखो इमेजेस में चैनल कैसे होते हैं, एक इमेज है जिसमें एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है और एक आपका रेक्टेंगल है, एक इमेज है, एक ही इमेज है, ठीक है। सिंगल इमेज जो आप मोबाइल से लेते हो ना, एक सिंगल इमेज है जिसमें जो शेप बनी हुई है वो ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए केवल सर्कल यूज़ करना है कहीं पे, सर्कल दिखाना है केवल पीपीटी में, सर्कल दिखाना है मुझे उस इमेज को लगा के, तो मैं क्या करूँगा, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा और सारे शेप्स को डिलीट करना, है ना। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी आती हैं हम उसमें चैनल्स में काम कर सकते हैं, उसमें आरजीबी चैनल होते हैं और आर में हो गया सर्कल, बी में हो गया ट्रायंगल और जी में हो गया आपका रेक्टेंगल। तो आपको जब सर्कल की जरूरत हो तो आर चैनल यूज़ कर लो, मतलब एक ही इमेज की बात हो रही है, कोई उसमें बड़ी इमेज नहीं होती, जेपैक इमेज ही होती है लेकिन वो चैनल के थ्रू बनी होती है फोटोशॉप की हेल्प से। तो आप उसमें चैनल यूज़ कर सकते हो, केवल एक इमेज यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल इमेज है उस इमेज के अंदर। तो इस तरीके से जीपीएस सैटेलाइट इसके अंदर भी क्या है आपका, चैनल्स की फॉर्म में है, है ना। बहुत जगह सुनने को रेडियो चैनल्स, है ना, या आप जो देखोगे ना, जो आपका कोई भी डिवाइस आता है, जैसे कि आपका वो आता है ना सेटअप बॉक्स आता है डिश टीवी का, तो उसमें बहुत सारे प्लग होते हैं, छः होते हैं, तीन को यूज़ करके आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, वो तीन ख़राब हो जाए तो नीचे तीन और होते हैं, तो चैनल्स होते हैं कि एक काम करना ख़त्म हो जाए दूसरे से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो चैनल का मतलब ये होता है। तो ये क्या कह रहा है कि ए रिसीवर वुड हैव डिस्क्राइब्ड इट्स नंबर ऑफ चैनल, दिस सिग्निफाई हाउ मैनी सैटेलाइट कैन मॉनिटर सिमल्टेनियसली। ये कुछ डायग्राम है, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा मत समझना कि एक रिसीवर है, वो रिसीवर सिग्नल भेजेगा एंटीने को, एंटीने भेजेगा मॉनिटर सिस्टम को, मॉनिटर सिस्टम भेजेगा कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल सिस्टम भेजेगा सैटेलाइट को, ऐसा नहीं है। या एक दूसरे को सब भेज रहे होते हैं, सैटेलाइट डायरेक्टली आपके मोबाइल में भेजेगी सिग्नल, आपका मोबाइल डायरेक्टली भेजेगा सैटेलाइट को, एंटीने को भी, मॉनिटर को भी, सब जगह जाएंगे सिग्नल, इसी से एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और आपको एक चीज़ और मैंने बताई होगी लास्ट टाइम, जीपीएस से लोकेशन देख रहे हैं किसी की, तो वहाँ पे तीन सैटेलाइट, कम से कम तीन सैटेलाइट एक साथ काम कर रही होती है, तीनों सैटेलाइट आपके रिसीवर को सिग्नल भेजेंगी और वो कैलकुलेट करेंगे आपकी पोजिशन, और तीनों की वजह से जो आपकी पोजीशन होगी वो एक्यूरेट और आ जाएगी और प्रिसाइज हो जाएगी, है ना, और 3D में आ जाएगी, ठीक है। एक फोर्थ और यूज़ कर लेते हैं टाइम के लिए, फोर्थ सैटेलाइट, मतलब तीन तो इस काम में लगी हुई है और तीनों क्या कहते हैं रेफरेंस के लिए एक फोर्थ सैटेलाइट और यूज़ कर लेती हैं और टाइम की कैलकुलेशन के लिए,
ठीक है, तो इस तरीके से एक ये सैटेलाइट और ये रिसीवर सब काम करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ज्योमेट्री में यू कैन फाइंड वन लोकेशन इफ़ यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑलरेडी नोन लोकेशन। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये ध्यान रखना, लोकेशन जो पता करनी होती है वो सैटेलाइट की होती है। सैटेलाइट अपनी लोकेशन फाइंड करके वो भेजता है रिसीवर को, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन से, उस डिस्टेंस की कैलकुलेशन से हमें पता चलती है फिर रिसीवर की लोकेशन। द करंट लोकेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट डिस्टेंस बिटवीन रिसीवर, वही चीज़ कह रहा है ये। करंट लोकेशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट, जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट और अर्थ इज एल्टीट्यूड ऑफ 11,000 माइल्स, ऑर्बिट्स लोकेशन सैटेलाइट नोन एज एडवांस रिसीवर फ्रॉम से। एलमेनेक जो लिखा हुआ है, एलमेनेक जो होता है ये डाटा टाइप है, पोजिशन होती है सैटेलाइट की, ठीक है। ये वही सब चीज़ें कह रहा है, इनको ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेसी आप देख लो, इनकी एक्यूरेसी का जो होती है वो डिपेंड करती है करंट टाइम, पोजीशन ऑफ सेटेलाइट, टाइम डिलीवर सिग्नल। लगभग वर्स्ट केस में 7.8 मीटर एट 95 कॉन्फिडेंस लेवल, जीपीएस टाइम एक्यूरेट अबाउट 14 नैनो सेकेंड, ठीक है। सिग्नल्स के बारे में जीपीएस और ये सब जो सारी चीज़ें बताई, इनमें जो सिग्नल्स काम करते हैं उनका नाम दिया गया है, कोर्स और एक्यूजन कोड, प्रिसाइज प्रिसीजन कोड, नेविगेशन मैसेज। एलमेनेक अभी मैंने क्या बताया, एलमेनेक एलमेनेक होता है वो डाटा जिसमें सेटेलाइट की लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, पोजिशन की, और डाटा अपडेट्स। ये इस टाइप के सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं जीपीएस सिग्नल में, ठीक है। और चार पांच तरह के बैंड होते हैं, ये भी ध्यान रखना, कभी बैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो जीपीएस में पांच तरह के बैंड होते हैं, L1, L2, L3, L4। हर बैंड की अपनी एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, यहाँ दी हुई है, लगभग 1,000 से ऊपर है, 1,500 के नीचे है, सबके बैंडों के रीज़न मेगा हर्ट्स में है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो सी ए फर्स्ट वाला जो आपका क्या है, अभी चार सिग्नल चार बताए मैंने, उसमें से जो पहला सिग्नल है सी ए कॉड इज ट्रांसमिट ओनली L1 फ्रिक्वेंसी, किस पे काम करता है, L1 फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। प्रिसीजन कोड जो ट्रांसमिट करता है वह L1 L2 पे करता है। L3 डिफेंस सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। L4 एडिशनल करेक्शन पार्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक आयनाइज सोलर रेडिएशन के लिए जाता है। L5 सिविलाइजेशन सेफ्टी ऑफ लाइफ सिग्नल के लिए किया जाता है। तो ये सारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अलग अलग बैंड अलग अलग जगह पर हमारे यूज़ होते हैं। बैंड क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं। लॉन्च इन 2005 L2C सिविलियन जीपीएस सिग्नल डिजाइन फॉर स्पेशली टू मीट कॉमर्शियल नीड। L2C एनेबल एंड स्फोरिक करेक्शन टेक्निक डेट बूट्स एक्यूरेसी। होता क्या है, जो आप जीपीएस में देखते हो ना आजकल, तो आप अगर न्यूयॉर्क की आप कभी देखना, न्यूयॉर्क का सैटेलाइट व्यू देखना, मैप में जाके देखना, तो आपको बिल्कुल 3D ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल 3D रोड वोड सब दिखाई देंगे वहाँ पे। दुकान का नाम भी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे कौन सी दुकान है, ठीक है। पर इंडिया में अभी इतना नहीं है, इंडिया में भी आप ताजमहल या बड़ी बड़ी चीज़ों को 3D देख सकते हो, है ना। लेकिन जो डिफेंस के पास होता है ना, जितने राइट्स डिफेंस के पास होते हैं यूएस के पास, वो किसी के मूवमेंट भी देख सकते हैं, किसी इंसान की मूवमेंट भी देख सकते हैं, ह्यूमन मूवमेंट भी देख सकते हैं, बिना उसके रिसीवर के, बिना उसके पास कोई रिसीवर के, ठीक है। उनके पास इतना ज़्यादा इसका टेक्नोलॉजी होती है जो अभी पब्लिकली नहीं की गई है, ठीक है, पर डिफेंस के पास ही होती है। या आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि क्या कहते हैं, कहीं पर अटैक करना होता है आर्मी को, तो वहाँ पे वो जो टेररिस्ट होते हैं उनकी लोकेशन भी दिख जाती है, मूव करते हुए दिख जाती है, वहीं पर वो ब्लास्ट करते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ जीपीएस सिग्नल डिफरेंट कलर, एरर कैन बी डेविएशन ऑफ -52 ±5200 मीटर फ्रॉम एक्चुअल, मतलब कि ये डिफरेंट एरर हैं जिनकी वजह से लगभग 50 से 100 मीटर का आपका क्या हो सकता है, जीपीएस रिसीवर की पोजीशन हो सकती है। जो मैंने एक बार बताया था आपको कि आपने देखा, अपने मैप में देखा कि यहाँ से भाई 200 मीटर दूर है वो चीज़ जहाँ पे आपको जाना है, और आप जाते रहे, लेकिन आप चलिए 250 या 300 मीटर या आप उससे कम चले तो आप वहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो एक्यूरेसी में जो एरर आ रहा है वो किस वजह से हो सकता है, सेटेलाइट क्लॉक की वजह से हो सकता है, रिसीवर क्लॉक की वजह से हो सकता है, जीपीएस जैमिंग के प्रोसता है। सेटेलाइट क्लॉक क्या, मैंने कहा कि सेटेलाइट के दुनिया की सबसे एक्यूरेट एक्यूरेसी एक्यूरेट और प्रिसाइज क्लॉक कौन सी होती है, एटॉमिक, हर जगह वही यूज़ होती है, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, लगभग $50,000 की कीमत होती है। तो एटॉमिक क्लॉक यूज़ की जाती है सेटेलाइट में,
और रिसीवर पे भी एक बहुत हाई प्रिसाइज क्लॉक यूज़ की जाती है। और जीपीएस जैमिंग का मतलब है कोई किसी चीज़ की वजह से जीपीएस किसी मटेरियल या किसी और रिफ्लेक्टिंग मटेरियल या कोई जामर लगाया हुआ है, हैक कर लिया है, तो वहाँ पे जैम आपका जीपीएस सिग्नल को जैम किया जा रहा है। होता है ना कि आप किसी एक डिफेंस इलाके में जाओगे तो मोबाइल काम करना बंद कर देगा या जीपीएस सिग्नल काम करना बंद कर देंगे, तो ऐसे जैमर लगाया हुआ है या रिसीवर क्लॉक में कोई दिक्कत आ रही है या फिर सैटेलाइट क्लॉक में कुछ दिक्कत आ रही है किसी एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इन सब की वजह से लगभग 50 से 100 मीटर तक की पोजीशन में डिफरेंस आ सकता है। ये लिखा हुआ अभी द एटॉमिक क्लॉक वेट मोर देन 20 kg, कॉस्ट अप टू $50,000। ठीक है, वही चीज़ें बताई गई हैं, एटमॉस्फेरिक एरर और आपका मल्टी पाथ एरर हो सकता है कि सिग्नल को मल्टी पाथ ट्रेवल करना पड़े, ठीक है, आपके पास तक ना जाए, लेकिन आपसे अच्छे टावर क्यों लगाए जाते हैं मोबाइल के, टावर से लगाए जाते हैं कि सैटेलाइट की डायरेक्ट सिग्नल आपके पास तक नहीं आ रहे, तो पहले टावर पे आते हैं, टावर से आपके पास आते हैं, ठीक है, ऐसा भी यूज़ होता है, तो उसमें थोड़ा सा देरी हो जाती है। मैथड ऑफ इम्प्रूविंग एक्यूरेसी, तो दो मेथड है, प्रिसीजन मॉनिटरिंग, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप सिग्नल को उसको और प्रिसाइज कर दो, और ज़्यादा चैनल यूज़ करने लगो, और ज़्यादा चीज़ें टेक्निकली यूज़ करने लगो, मल्टीपल टाइम उसको चेक करो, ये हो गया प्रिसाइज मॉनिटरिंग मोटा मोटा। ऑगमेंटेशन क्या होता है कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, और ज़्यादा नंबर्स में चीज़ों को बढ़ाओ। तो डुअल फ्रिक्वेंसी मॉनिटरिंग एक तरीका ये है, एक तरीका ये क्या है, कैरियर फेस एनहेंसमेंट, जो आपका पाथ है उसके एनहेंसमेंट, एक है फ्रिक्वेंसी, डुअल फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर किया जाए। रिलेटिव काइनेटिक पोजीशन, ठीक है, आपका क्या डिटरमाइन द रेंज सिग्नल रिजॉल्व द एक्यूरेसी लेस देन 10 cm, फॉरन रिजॉल्व द नंबर ऑफ साइकल सिग्नल ट्रांसमिट रिसीव, समझ रहे हो, एक बार सेटेलाइट ने सिग्नल भेजा तो उसको नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट को बढ़ा सकते हैं, और एक्यूरेसी एवरेज या मीन निकाल के, 3 सेटेलाइट नहीं 4 सेटेलाइट यूज़ कर रहे हैं किसी के पोजिशन के लिए, और उसको भी 3-4 बार सिग्नल बहुत हाई स्पीड से भेजे जा रहे हैं, नैनो सेकेंड में आपको पता चल जा रहा है। ऑगमेंटेशन क्या क्या है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट कैलकुलेशन प्रोसेसर बढ़ा दिया आपने, ट्रांसमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन सोर्स ऑफ एरर को रिमूव किया, मेजरमेंट सिंगल पास ऑफ द पाथ अनदर ग्रुप कुड प्रोवाइड एडिशनल नेविगेशन व्हीकल, इनको उस तरह डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये याद होनी चाहिए कि बल्कि अगर मेथड इंप्रूविंग किया जाए आपको जीपीएस के, तो ये चीज़ें ना ये नाम होने चाहिए, एक बार रीड कर लेना इनके बारे में, पर आपको मेनली नाम याद होना चाहिए, एक प्रिसीजन मेथड है, मॉनिटरिंग मेथड है, एक है ऑगमेंटेशन मेथड। प्रिसीजन में फिर 3 मेथड है, डुअल फ्रिक्वेंसी, कैरियर फेस एनहेंसमेंट और रिलेटिव काइनेटिक पोजीशन। ठीक है, लिमिटेशन, जीपीएस कैन प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड 3D पोजीशन 24 hours a day इन ए टाइप ऑफ ऑल वेदर, बट देयर मस्ट रिलेटिवली क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन द जीपीएस एंटीना 4 or more satellite। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, मतलब कि वेदर कैसे भी वेदर हो उसमें भी हो जाता है, कभी कभी कहीं कहीं दिक्कत आती है, मतलब वो रिसीवर के ऊपर ये आपका दिक्कत आती है, सैटेलाइट का बिल्कुल सही से फंक्शन करती है, जीपीएस सिग्नल बाउंस ऑब्जेक्ट कॉज देयर प्रॉब्लम। एप्लीकेशन सर्वर सर्वेइंग और टेलीमेटिक्स में बता चुके हैं, बाउंड्री डिसाइड करना और मैप बनाना और क्या कहते हैं फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग करना, ये सब जीपीएस से हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि जीपीएस उसमें लगा होता है, मान लो वो जो आपका होता है ना क्या कहते हैं रेंजिंग रोड जो होती है, रेंजिंग रोड मैंने बताया था कि थियोडोलाइट से आप रेंजिंग रोड को देखते हो, अगर बहुत बड़ा फील्ड है और रेंजिंग रोड में जीपीएस लगा हुआ है, छोटे छोटे होते हैं जीपी डिवाइस हो, और आपने चारों कोने पे पांचों कोने पे हर जगह जीपीएस वाले रेंजिंग रोड लगा दिए, तो आराम से आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उससे उसकी लोकेशन पता करके एरिया साइड चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका जीपीएस, उसके बाद आएगा आपका जीआईएस, वो भी 2 लेक्चर लगेंगे जीआईएस में, यूनिट आपकी 3 ख़त्म हो जाएगी, फिर यूनिट 4 आपकी स्टार्ट होगी। ये सब कुछ नहीं है, वही जो चीज़ मैं बीच में बोल चुका हूँ वही सब चीज़ें हैं। Students ठीक है, क्लास को लीव कर सकते हो आप।